हेलो एवरीवन, मैं ओमबीर जिंदर। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। बच्चों, कैलकुलस एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, लेकिन फिजिक्स में भी कुछ स्पेशल कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके दो पार्ट हुआ करते हैं, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड, कि किस तरह से क्वांटिटीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, क्या फिजिक्स में क्वांटिटीज़ का रोल होता है एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का। ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले पोजिशन की, लोकेशन की बात करूं मैं, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक पोजीशन और एक दूसरी पोजीशन। ये एक क्वांटिटी हुई पोजीशन, लोकेशन, राइट। इसके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, बीच का जो ये बेसिकली स्पेस है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? या देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, या क्या कहूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ चेंज होता है किसी भी क्वांटिटी का, तो हम कहते हैं उसको स्पीड। और तब स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है, तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है पोजीशन लोकेशन पर। इस तरह से क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। इसी तरह अगर मैं आपको कैलकुलेशन की बात करूं फिजिक्स में, तो हम कुछ कैलकुलेशन जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको यूज़ करके नहीं कर सकते। हमें कुछ इनका भी रिलेशन सेट करना पड़ता है, और उन रिलेशन से हम लोग वो कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो इसलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन को पढ़ना, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ऑलराइट, तो डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा, तो एक एग्जांपल से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। पहले बताता हूं कि क्या कहानी है एक्चुअल में। देखो, ध्यान से सुनना। मान लीजिए मेरे पास ये एक लोकेशन है, या मैं किसी भी कार में बैठा हुआ हूं, और मैंने यहां पर इस पॉइंट के यहां पर माइलस्टोन देखा, एक पत्थर देखा, मील का पत्थर, जिस पर लिखा हुआ था 90 किलोमीटर। किसी लोकेशन की, किसी के लिए डिस्टेंस लिखी थी कि 90 किलोमीटर दूर है वो, 90 किलोमीटर, राइट। फिर उसके बाद हमने बात की इससे वहां पर, यानी कि लोकेशन बी पर हम पहुंचे। तब बी पर पहुंचे तो वहां पर हमने जाकर देखा, वहां लिखा हुआ था उस एक माइलस्टोन पर 10 किलोमीटर। तब मैंने इस तरह से 90 किलोमीटर देखा, इस तरीके से मैंने 10 किलोमीटर देखा, तो उस कंडीशन से समझ आया कि ये तो डिस्टेंस कवर है, यानी कि इतने डिस्टेंस हमने कवर की। इसके बाद की बात मैं आपसे करूं, तो हमने देखा यहाँ पर, तब घड़ी में 90 किलोमीटर हमने देखा था, उसी टाइम घड़ी में हमने देखा, तो पता लगा कि यहाँ पर 8 बजे हुए हैं, राइट। 8 AM मान लीजिए, PM मान लीजिए, जो भी, ये टाइम की रेल बात हुई, मैं AM कह देता हूँ। वहाँ जाके देखा हमने, तो यहाँ पर 11 बजे हुए हैं, राइट। इनके बीच की दूरी अब आप निकाल सकते हैं इजीली, अगर वो 10 है, यहाँ पर ये 90 है, तो आप समझ गए डिस्टेंस कितनी हुई इसकी। तो ये इसका आपके आ गया, ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस हुई यहाँ से लेके यहाँ तक की। बच्चों, अगर मुझे अब स्पीड निकालनी हो, ध्यान से सुनना मेरी बातें, अब मुझे स्पीड निकालनी हो, तो वो स्पीड कैसे कैलकुलेट करूँगा मैं? स्पीड होती क्या है एक्चुअली? तो स्पीड होती है डिस्टेंस, या आप मुझे कहना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर ये बच्चों स्पीड होती है, तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस निकालना हो, तो हमें इन माइलस्टोन पे जो लिखा हुआ था किलोमीटर, उनके डिफरेंस को निकाल लेना है। दैट मीन्स x2 - x1। ऑलराइट, अगर मैं टाइम की बात करूँ, तो मुझे टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो टाइम के डिफरेंस को निकाल लेना है क्या, t2 - t1। और इस सब से इनको मतलब एक साथ एक ही स्टेप में सॉल्व करूंगा, तो मुझे एक क्वांटिटी मिलेगी, दैट क्वांटिटी इज़ व्हाट, स्पीड। इसका मतलब अगर मुझे स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन से मैं नहीं कर सकता, मुझे दो ऑपरेशन एक साथ करने पड़ेंगे। क्या क्या? एक तो यहाँ पर डिफरेंस मुझे, यानी कि सब्ट्रैक्शन मुझे करना पड़ेगा, उसी के साथ सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि एक ही स्टेप में सब्ट्रैक्शन भी और उसी स्टेप में डिवीजन भी। तो आप डिफरेंस और डिवीजन एक साथ करते हैं, तो एक नई तरह की कैलकुलेशन बनती है। और वो क्या बनती है, देखिए उसको समझाता हूं आपको। हमने क्या क्या किया एक साथ, हमने डिफरेंस निकाला और साथ में क्या किया, उसको डिफरेंस को डिवाइड कर दिया, तो हमने डिवीजन भी किया, राइट। तो अगर मैं इतने पार्ट को अगर मैं छिपा देता हूँ, तो बच्चों हमारे पास जो ये बचे क्या बचा, डिफरेंशिएशन, राइट। इसको अगर मैं क्लियरली लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा डिफरेंशिएशन, राइट। इस डिफरेंस प्लस डिवीजन से बनने वाला वर्ड क्या है, डिफरेंशिएशन, क्लियर है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसे हम उसको लिखा करते हैं। अब आपको समझ आया होगा
कि डिफरेंशिएशन कोई नई चीज़ नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़ा या कोई रॉकेट साइंस है जिसको समझना मुश्किल हो बहुत ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंस और डिवीजन ही तो डिफरेंशिएशन है। अगर आप डिफरेंस और डिवाइड कर लेते हैं तो उसको आप डिफरेंशिएशन कह पाते हैं। जैसे इसके प्रोसेस और उसके लिखने का एक तरीका होता है, उस लिखने के तरीके और प्रोसेस को समझते हैं। देखिए हम कैसे, ये जो चेंज था इसको हमने बोल दिया कि चेंज इन एक्स, राइट, अपॉन, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ चेंज इन टाइम। भाई ये किसका किसका चेंज है, डिस्टेंस का, ये किसका चेंज है, टाइम का, और उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा स्पीड या वेलोसिटी, जो भी कहें आप, क्योंकि उसमें तो केवल डायरेक्शन की बात होती है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस ही होता है। अगर मैं एक और तरीके से आपको बताऊं और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैं लिख के दिखाऊं डिफरेंशिएशन को, तो अगर मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास इस तरह से कोई फंक्शन है वाई, फंक्शन की बात आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी, मैथ टीचर आपको सारी बातें सिखाएंगे, बट फिर भी यहां पर मैं कहता हूं, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई क्वांटिटी है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और वहां पर एक चीज आपको दी हुई है, ये भी आपको मैथ्स में सिखाई जाएगी, बट मैं बता रहा हूं उसकी लिमिट दी हुई है कि लिमिट है वो डेल्टा एक्स है, वो अप्रोच टू जीरो है, वो अप्रोच टू जीरो है, राइट। तो ये जो पूरे का पूरा मैंने यहां पे प्रोसेस लिखा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन को लिखेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये उसके लैंग्वेज हुई लिखने की, यानी कि डी वाई, यहां लिखता हूं मैं, यानी कि डी वाई बाय डी एक्स इज द डिफरेंशिएशन। यहां पे वाई है जो वो एक्स का फंक्शन होगा, राइट, तो ये डी वाई बाय डी एक्स। एग्जाम्पल्स को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप इसको प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको क्लियर करता हूं कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन हुआ करता है। हाँ देखिए, जैसे मैं कुछ फॉर्मूले इसके बताता हूँ, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो क्या क्या फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बच्चों, तो यहाँ से y आपको गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स द पावर n, और आपसे कहा गया है कि आप भाई डी वाई बाई डी एक्स निकाल के बताइए क्या होगा। अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स निकलवाना है तो आप क्या करेंगे, इस y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स द पावर n, एक्स द पावर n डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक बार तो पहले तो मैं आपको रूल बताता हूँ कि कैसे हम इसको आगे याद रखेंगे, फिर मैं इसका प्रूफ भी दूंगा कि किस तरीके से ये आया, किस तरीके से ये कैलकुलेशन में की। तो हम क्या करते हैं, पावर को आगे ले आते हैं, ये जो पावर उसको हम आगे ले आते हैं, और जो ये बचा उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होता है सिंपल। मैंने आपको बताया, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आया, आखिर बाकी मैथमेटिक्स में सिखाया जाना चाहिए बट आखिरकार ये आया कैसे, फिजिक्स में भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा प्रूफ देकर एक समझाने वाला हूँ। मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें हम लोग, तो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ पर, तो अगर मुझे अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो वो डी वाई बाई डी एक्स में वाई से क्या पुट करूँगा, मैं वाई मैं पुट करूँगा साइन एक्स, और उसका होता है कॉस एक्स। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। एक और मैं आपको समझा देता हूँ, चलो y एक कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है तो बताइए dy बाई dx क्या होगा, भाई dy बाई dx क्या होगा। अगर मैं y की बात करूँ, y अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब y चेंज नहीं हो रहा, तो y चेंज नहीं हो रहा तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो, यानी कि जीरो बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हुआ, ये सिंपली फॉर्मूलेज हुए डिफरेंशिएशन के। लेकिन अगर आप कहें तो मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करके दिखा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बना, और इसके बहुत सारे फॉर्मूले उनके लिस्ट भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, एक बार आप इसे लिख लें, फिर मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस फर्स्ट फॉर्मूले को। हाँ तो बच्चों, अगर आपको कुछ इस तरीके का y इज़ द फंक्शन ऑफ x, इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं f फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x पे डिपेंड है, सच दैट y इज इक्वल टू xn, देन कैलकुलेट द dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट इसको करिएगा, dy बाई डी एक्स आपको करना है। देखिए dy बाई डी एक्स मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो रिजल्ट आया था ना इसका, इसके रिजल्ट डायरेक्ट आप याद रखेंगे, आपने याद कर लिया होगा n x द पावर n माइनस वन, ये होता है डिफ्रेंशिएशन इस वाले पार्ट का, dy बाई डी एक्स होता है ये। तो अभी ये आया कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं, पार्ट नहीं है फिर भी मैं चलो सिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर dy की बात करूँ तो y क्या है, x द पावर n, यानी कि डेल्टा x द पावर n अपॉन डेल्टा x, ठीक है, ओके। ये कैसे बना भाई, ऐसे ही तो करते हैं हम लोग चेंज अपॉन चेंज,
तो ये क्या डेल्टा एक्स का चेंज है और एक्स एक्सिस में डेल्टा एक्स तो वाई गई क्योंकि चेंज अपॉन चेंज होता है डिफरेंशिएशन, तो सेम इसी को मैंने लिखा है और वाई क्या है वाई एक्स की पावर एन है तो मुझे डेल्टा एक्स लिखना पड़ा। ये एक ऐसे आया होगा, देखो कैसे आया होगा, ये आया होगा कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा करूँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स द पावर एन और माइनस एक्स द पावर एन, भाई ये इतना सा चेंज हुआ होगा और ये आपका मतलब फाइनली ये हो गया होगा प्लस एक्स हो प्लस डेल्टा एक्स होके और ये इनिशियल था, इस तरीके से फाइनल इनिशियल यहाँ पर हम लिखेंगे। कैसे हुआ होगा ये एक्स में डेल्टा एक्स बढ़ोतरी हुई होगी, डिफरेंस निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा, तभी तो एक्स एक्स कट जाएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी किस तरीके से बढ़ेगा ये डेल्टा एक्स एन। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ इस ब्रैकेट को तो देखिए कैसे ओपन करता हूँ, मेरी बात ढंग से सुनिए बच्चों, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर एन है तो इसको मैं बाइनोमियल से सॉल्व करूँ, क्या बाइनोमियल इक्वेशन आपको आती है, है ना पहले वाले की पावर ये, राइट समझते हो ना, यहाँ पे ऐसा फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग प्लस, सिंपली फर्स्ट की पावर लिखते हैं पहले फिर प्लस फिर उसके बाद क्या करते हैं बाइनोमियल इक्वेशन, मैंने आपको नहीं पढ़ाई है क्या, चलिए मैं बता दूंगा, बाकी बाइनोमियल की इक्वेशन होते हैं सिंपली है, कैसे करते हैं मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ, इस पहले वाले की पावर हमने ऐसा लिखी, उसके बाद क्या करना होता है उसके बाद यहाँ पर ये जो एन की पावर यानी कि जो आपका एन है इस एन को यहाँ पर लिखेंगे एन, यानी कि जो पावर है उस पावर को यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एन को लिखने के बाद इस एक्स द पावर एन इसकी पावर इंटू जो ये वाली क्वांटिटी बच गई वो ये वाली क्वांटिटी डेल्टा एक्स, यानी कि आपको क्या करना है पहले एक्स द पावर आपको एन लिखना है, फिर आपको ये जो एक्स दिया हुआ है ये एक्स की पावर एन हुई, ये यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन हुई और फिर यहाँ पे आपने किसको यूज़ कर लिया इस डेल्टा एक्स को यूज़ कर लिया, प्लस में क्या करेंगे फिर आप बढ़ जाएंगे, फिर इस तरीके से आप एन एक्स एन माइनस टू करेंगे, इस डेल्टा एक्स की पावर कितनी करेंगे डेल्टा एक्स की पावर फिर टू करेंगे एंड अप टू फोर फाइव सिक्स ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि मैंने इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन किया, यहाँ पे एक्स द पावर एन एन यहाँ पे लिया मैंने एन यहाँ आ गया तो एक्स एन माइनस वन और ये डेल्टा एक्स, फिर इस तरीके से ये भी पावर टू टू होती चली जाएंगी सबकी, माइनस एक्स द पावर एन डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या बचेगा एक्स कट के डेल्टा एक्स, ठीक है भाई। अब ये बात आपको पता ही है, साथ साथ हम पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, मैंने बताया था कि इसकी लिमिट में क्या दी हुई है कि ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल देन क्या देन डेल्टा एक्स स्क्वायर ऑफकोर्स जीरो, ये तो जीरो होगा ही, यानी कि डेल्टा एक्स स्क्वायर एक्स की डेल्टा एक्स की पावर जितनी बढ़ जाएंगे उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करने के बाद रिजल्ट हमारे पास क्या बचता है तो इग्नोरिंग के बाद डेल्टा एक्स को इग्नोर करने के बाद रिजल्ट क्या बचा एक्स द पावर एन प्लस एन एक्स एन माइनस वन इंटू डेल्टा एक्स, ये तो सब खत्म हो गया और बाहर आपका क्या बचा हुआ है बाहर आपका बचा हुआ है माइनस एक्स द पावर एन अपॉन डेल्टा एक्स। ऑलराइट यहाँ से देखा तो क्या हुआ इससे ये मारा गया, क्या कहते हो अगर ऐसा हुआ अगर ये पूरी कहानी है तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या बचा तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बचता है एन एक्स एन माइनस वन और ये हम क्या निकालते हुए आ रहे हैं डी वाई बाय डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट इज ये रहा ना, यही तो बताना चाह रहा था मैं किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यार ट्रिग्नोमेट्रिक मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ कांस्टेंट वाला मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, आपको सिंपली मैं एक टेबल यहाँ पे दे रहा हूँ उस टेबल में सब फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस लिखे हुए हैं, आप उनको अपने दिमाग में रखेंगे तब भी आप उसका फिजिक्स में यूज़ किया करेंगे तो राइट। तो मैं यहाँ पर सारे फॉर्मूले की लिस्ट लिख रहा हूँ, आप जरा इसको लिखना चाहें स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं लिख सकते हैं। ओके बच्चों तो ये जो टेबल आपके सामने है बेसिकली इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, डायरेक्ट रिजल्ट उनके आपको दिमाग में रखने हैं, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज व्हाट कॉस एक्स, सिमिलरली द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज व्हाट माइनस साइन एक्स, राइट जैसे मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से इसको भी दिमाग में रखना है, इनके प्रूफ नहीं चाहिए आपको और जरूरत भी नहीं है उनकी, तो आपको फिर से उसको यूज़ नहीं करना प्रूफ नहीं करना है। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का क्या सीकेंट स्क्वायर एक्स, सिमिलरली कॉट एक्स इज वॉट माइनस कॉस्केंट एंड द कॉस्केंट इज वॉट माइनस कॉट इंटू कॉस्केंट एक्स, राइट ये आपको फॉर्मूले हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स थे। अगर आपको कई बार ऐसे देखो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन दे रखा हो यानी कि यहाँ पे साइन एक्स नहीं दे रखा एक्स यहाँ दे रखा है बट यहाँ नहीं है लेकिन यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स तो आपको कैसे करना है, तो आपको फिर ऐसा नहीं कि आप ओनली साइन यू को कॉस यू लिख के छोड़ देंगे, नहीं यहाँ पे साइन यू तो कॉस यू होगा ही
प्लस में इस यू को भी, क्योंकि ये यू किसका फंक्शन है, ये एक्स के लिए रिलेटेड है, तो क्या होगा डी यू बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा। ये वाला रिजल्ट आपको दिमाग में रखना है बच्चों, ये अगर कभी आता है तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि साइन यू को हम लोग कॉस यू करेंगे, लेकिन यू भी अगर एक्स से रिलेटेड है तो फिर में उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लॉगरिथम फंक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से लॉगरिथम में हम लोग इसको बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डी बाई डी एक्स लॉग ए दा ए एक्स बेस ए, यहाँ पे बेस ई, तो उसके लिए तो 1 बाई एक्स लॉग ए ई हो जाएगा, बट अगर सिंपली वो लॉग ई वाला पार्ट है तो लॉग एक्स के लिए डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाता है। इस तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और क्या बच जाता है यहाँ पे 1 बाई एक्स, लॉग ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो सिंपली लॉग के लिए तो बस यही होता है, जनरली यही यूज़ करते हैं हम लोग, तो लॉग के लिए क्या हो जाता है, वो 1 बाई एक्स हो जाता है। अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करूँगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या, डी बाई डी एक्स ई डी पावर एक्स इज वॉट, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में वो कॉन्स्टेंट ई डी पावर एक्स ही रहता है, सेम रहता है। और अगर ई डी पावर यू हो तो फिर भी वो ई डी पावर यू रहेगा, लेकिन अब इस यू को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी यू बाई डी एक्स। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स आपके सामने बोर्ड पर, आप इनको दिमाग में रखिएगा, बार बार आप इनको यूज़ करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में लिख लें, इसका छोटे छोटे इसके रूल और हैं डिफरेंशिएशन के, वो रूल्स मैं आपको और बता देता हूँ और फिर अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लगभग खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ प्रोडक्ट रूल की, मैंने ये पूरा लिख लिया पहले, उसकी वजह ये कि अब मैं आपको समझा पाऊँगा अच्छे से, टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बात करूँ, अगर यू एफ एक्स है, मतलब यू को मैंने एफ एक्स को क्या माना है, मैंने यू माना हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स जो दिया हुआ है, और फंक्शन ऑफ जी जैसे ये एक दूसरा फंक्शन है, इसको मैंने वी माना हुआ है, तो प्रोडक्ट रूल का मतलब ये हो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ दी हुई होती तो क्या होता, डी बाय डी एक्स क्या फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ जी एक्स, राइट। अगर ये यहाँ पे प्रोडक्ट में है फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, तो इनको मैंने क्या मान लिया, यू एंड वी। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार यू वो एज इज रखेंगे, पहले वाले को सेम रखेंगे, एंड देन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड वन इज वॉट, डी वी बाय डी एक्स, पहला सेम दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस अब की बार दूसरा कॉन्स्टेंट उसकी जो वैल्यू दी है वो सिमिलरली एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स क्यूब एक्स फाइव जो भी दिया हुआ है वो सिमिलर, एंड देन द डिफरेंशिएशन द फर्स्ट वन, देन डी यू बाय डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये अपना सिंपली हो जाता है प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाता है ये प्रोडक्ट रूल। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं कोशेंट रूल की भी बात कर लेते हैं। कोशेंट रूल क्या होता है बच्चों, तो कोशेंट रूल में सेम डिवीजन में दे रखे होते हैं फंक्शंस, जैसे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, डी बाय डी एक्स तो है ही, फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, राइट। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या मान रखा है, यू, और इसको मैंने क्या मान रखा है, वी। तो सिंपली क्या हो गया, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करूँगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली बात है इसमें यहाँ पे आती है, एक को आप सेम रखेंगे, नीचे वाले को आपने क्या रखा सिमिलर, ऊपर वाले को आपने क्या किया डी यू बाई डी एक्स, उसको डिफरेंशिएट किया, एंड देन यूज द माइनस साइन, ऊपर आपने क्या किया था प्लस साइन यूज किया था, उसके बाद यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे माइनस साइन, एंड देन दिस माइनस साइन इज वॉट, अब यहाँ पे ऊपर वाले को एस चीज रखेंगे और दूसरे वाला जो बच गया वो कौन डी वी बाई डी एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और इन सब के डिवीजन में लिखेंगे नीचे वाले, यानी कि इस वी का स्क्वायर। बच्चों ये रिजल्ट डायरेक्ट है, ये आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि नीचे वाला जैसे भी आप न्यूमरेटर बोले डिनोमिनेटर बोले, नीचे वाला ऊपर वाला बोल के लिखें, आप इसको लिख लें, आप इसको समझ लें बेसिकली, कि आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर पाएँ। मैथमेटिक्स में पूरी डिटेल है, लेकिन जो बायो के बच्चे उनको ज़रूरत नहीं है, इवन जो फिजिक्स के बच्चे उनको भी ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में भी आपको ज़रूरत कभी कभी इसकी पड़ेगी तो आप इसको यूज़ कर लेंगे क्वेश्चन टूल को, अदरवाइज कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुम्हें इसका प्रूफ पता होना चाहिए कैसे आए, ये सब बातें पता होनी चाहिए। सिमिलरली हम लोग कई बार चेन रूल की बात भी करते हैं, जो चेन रूल है इसमें किस तरह की कहानी होती है, देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी बहुत आसान है, इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात होती है, जैसे डी एफ अपॉन डी टी, यहाँ पे f इज रिलेटेड टू x, यानी कि df एफ बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, हट गए बच्चा क्या df एफ बाई डी टी, यानी कि एक चेन बन जाती है और उस चेन रूल के अकॉर्डिंग ये सारी के सारे जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अपने रूल हैं, वो रूल इस तरीके से यूज़ होते हैं। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इन सब में डिफरेंशिएशन रिलेटेड मैंने कोई फॉर्मूला छोड़ा नहीं है, फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स में किस तरीके से डिफरेंशिएशन को यूज़ किया जाता है वो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपके दिमाग में बस जो मैंने बातें बताई थी वो सेट होना चाहिए कि कैसे हम किसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे। तो मैंने जस्ट एक ओवरव्यू इसका पूरा ख़त्म किया है,
चीज़ें आपको बताई हैं, क्योंकि मैं अब आपको एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, या हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे, या किसी भी हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले पार्ट की हम बात करेंगे, तो आपको परेशानी होगी नहीं, डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये पूरे का पूरा अपना डिफरेंशिएशन का बेसिकली कैलकुलस का डिफरेंशियल पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, जो आप जिसके मैंने आपके बेसिक रूल्स और उसके फॉर्मूलाज कैसे उनके प्रूफ्स हैं, क्या क्या वो होते हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी, सारी बातें मैंने आपको सिखाई। आपको मैं इसे अगले लेक्चर में इंटीग्रेशन इंटीग्रल पार्ट भी सिखाने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन के क्या रोल और किस तरीके से इंटीग्रेशन किया करते हैं। तो बच्चों खुश रहिएगा, थैंक यू वेरी मच।